बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम टॉक शो विद नईम खान के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज पाकिस्तान की सियासत में फिर एक अहम दिन है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अलकादर ट्रस्ट के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाई, ट्रस्ट बनाया और उसमें करोड़ों ही अरबों रुपये की इसमें करप्शन हुई है। इस पर नैब ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। आज गिरफ्तार करके नैब ने उन्हें अदालत में पेश कर रहे हैं। तो जो आज की अपडेट है वो इस हवाले से है कि इमरान खान ने कल और परसों दो दिन ये कहा था कि मुझे गिरफ्तारी से कोई डर नहीं, मुझे मौत से कोई डर नहीं, मैं कलमा हक अदा करता रहूँगा। लेकिन हुआ ये है कि जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो उनके साथ उनके बड़े सारे फॉलोअर्स ने मज़ामत की। कानून नाफज करने वाले इदारों ने नैब की मदद की और इमरान खान गिरफ़्तार हो गया। इमरान खान की गिरफ्तारी चौका हाईकोर्ट इस्लामाबाद के हाथा से हुई है। तो इमरान खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी को अभी चैलेंज नहीं किया, लेकिन पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, और लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज है वो भी उनके पीछे पीछे हैं। ये लुका छिपी का खेल चल रहा है। लेकिन जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो ठीक थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फरूख साहब ने नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि आईजी साहब 15 मिनट में, आईजी इस्लामाबाद 15 मिनट में पेश हों, सेक्रेटरी दाखिला 15 मिनट में पेश हों और बताएं कि इमरान खान को क्यों गिरफ़्तार किया गया और किसने गिरफ़्तार किया। अब चीफ जस्टिस साहब ने ये बहुत इंतहाई कदम उठाया। आईजी इस्लामाबाद पेश हुए, उन्होंने कहा कि जनाब ने इमरान खान साहब को नैब ने गिरफ़्तार किया है, हमारी पुलिस का ने तो सिर्फ मदद की है, यानी इंजन ने मदद की है।